when they both reached rajin prasad's house, they found that rajin prasad is not there in the city at all. rajin prasad was out of town. but the servants knew shukla as a poor young man, poor yeoman, who presented their master to help the indigo sharecropper. these servants called rajin prasad ji. उनको लगा ये शुक्ला जो है कोई गरीब आदमी यो मैन मतलब सामान्य आदमी टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स जो अपने साथ जो मास्टर आया हुआ है कौन है मास्टर यहां गांधी जी हैं उनके पीछे पड़ा टू पेस्टर मींस पीछे पड़ जाना लगातार अनुरोध करना कंटिन्यूसली अनुरोध करते रहना को कहेंगे टू पेस्टर Why don't you pester the TTE for the ticket? Barba TTE ke peechhe pradhao ticket ke liye to pester matlab peechhe pradhao vin vinanti karte rehna lagatara. So here the servant thought that this poor man uh, is the one who has come with Gandhi and he is pestering Gandhi to help indigo sharecroppers. वहां के जो किसान है उनकी कुछ मदद के मांगने के लिए आया है सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिज कंपेनियन गांधी लेट हिम स्टे लेट हिम गो मतलब जाने दो देखिए लेट का उपयोग एल ई टी लेट लेट हिम स्टे उसे रहने दो लेट हिम स्टैंड उसे खड़े होने दो लेट का उपयोग समझने की कोशिश करिए सो दी सर्वेंट्स लेट हिम बी विद गांधी गांधी के साथ इसे रहने दिए विध हिस कंपेनियन मतलब सहयोगी इन्होंने समझा गांधी का सहयोगी है कोई गांधी के साथ आया है तो उसको उसके साथ रहने दिया whom they took to be another प्रेजेंट और उन्होंने सोचा गांधी भी कोई दूसरा किसान है एक किसान गांधी और दूसरा किसान ये राजकुमार शिक्ला इस प्रकार राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट उन शुरुआती दिनों में गांधी को तो स्वाभाविक है नहीं जानते थे उन्होंने किसान समझा और समझा कि ये लोग इंडिगो फार्मर्स जो हैं उनकी समस्याओं को लेकर आए हैं होम दे टुक टू बी अनदर प्रेजेंट टू टेक टू बी मतलब क्या होता है टू टेक टू बी मतलब समझ लेना आई टूक यू टू बी राम ओह यू आर श्याम आई टुक यू टू बी राम मैं तुम्हें राम समझा आई टुक हिम टू बी माई प्रिंसिपल बट ही ही इज एक्चुअली ए टीचर मैं उसे प्रिंसिपल समझा लेकिन वो असली में शिक्षक हैं तो टू टेक टू बी का उपयोग देखिए यहां पे। आई टुक हिम टू बी ए फिल्म एक्टर बट ही टर्न आउट टू बी एन ऑर्डनरी मैन बंबई गया तो मुझे लगा वो फिल्म का एक्टर है लेकिन सामान्य आदमी था लुकिंग लाइक हैंडसम फिल्म पर्सनालिटी सो टू टेक टू बी सो दे टूक हिम टू बी अनदर अदर एक और फार्मर ऑफ समझा बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वॉटर फ्रॉम द वेल गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वॉटर ड्रॉ मतलब खींचना पानी को भी खींचने के लिए ड्रॉ होता टू पुल नहीं टू ड्रॉ टू पुल वॉटर नो टू ड्रॉ वॉटर खींच के निकालना कुएं से गांधी को भी पानी निकालने की अनुमति नहीं थी आगे देखिए क्या बोलता है लेस्ट लेस्ट ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स सम ड्रॉप्स फ्रॉम द बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स सोर्स मतलब कुआं कुएं के नीचे जो पानी है कुएं में उस पानी को गांधी को पानी निकालने नहीं दिए क्यों उनको ये डर था कि कहीं गांधी पानी निकालेंगे तो जो बाल्टी पानी ऊपर आएगा उसमें से यदि कुछ बूंद भी उस कुएं के अंदर गिर गई पानी की तो आप पवित्र हो जाएगा कुआं अपवित्र हो जाएगा इमेजिन वॉट द कंडीशन ऑफ इंडिया इन टचिंग वाटर वॉज कंसिडर्ड टू बी ए बिग क्राइम बाय लोअर कास्ट और इसीलिए उस समय अछूत प्रथा भी बहुत थी सो लुई फिशर थ्रू दिस राइटिंग इज ट्राइंग टू टेल यू द कंडीशन ऑफ इंडिया इन दो लेक के माध्यम से लुई फिशर उस समय के भारत के समाज की स्थिति भी बताना चाह रहे हैं दैट हाउ मच वी बिलीव इन कास्ट सिस्टम एंड ए मैन लाइक गांधी फार्मर टू दो रिफ्यूज हिम टू ड्रॉ वॉटर Lest matlab, try to understand, so that not. Lest matlab, so that, with dot dot dot, not. So that water drops do not pollute the entire source. This is the correct complete sentence. If you don't want to use the word lest, then so that not. So here, permitted, not permitted to draw water lest. इट विल पॉल्यूट सो पोल्यूट करना मतलब पोल्यूट करना मतलब अपवित्र कर देना वैसे तो पोल्यूशन मतलब होता है पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण गंदगी कर देना खराब कर देना सो दे फियर दिस प्यून्स दिस सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र बाबू धी ड्रॉज वाटर एंड फ्यू वाटर ड्रॉप फॉल डाउन इन टू दोर्स द होल वाटर प्रदूषण हो जाएगा किससे कुछ पानी की बूंदे गिरने थे वो पानी जिसको गांधी छुए होंगे खींचते समय कहीं वो गिर गया तो प्रदूषण हो जाएगा अर्थात तो अपवित्र हो जाएगा पानी खराब हो जाएगा ये उस समय की समाज की स्थिति को आप समझने की कोशिश करिए एक और समाज का ये हाल था दूसरी ओर स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था तीसरी ओर अंग्रेजों का दबदबा था एंड वॉट नॉट इट वॉज अ वेरी फनी पिक्चर ऑफ इंडिया दैट वी गेट फ्रॉम दिस बट एनी वे सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विथ हिस्स कंपेनियन गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वॉटर हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज एन अनटचेबल अब लुई फिशर कहते हैं उनको कैसे पता लगा सर्वेंट को कि अछूत है तभी तो उन्होंने पानी नहीं निकालने दिया ना तो क्यों इनको लगा कि ये अछूत है जबकि गांधी अछूत नहीं थे लेकिन उनकी भावभंगिमा उनके कपड़े लत्ते उसको देखकर शायद सर्वेंट को लगा ये अछूत लोग हैं और अछूत लोग मतलब ऐसे लोग जो गांव के अंदर या शहर के अंदर जिनको आने की अनुमति नहीं थी समाज का एक बहुत बड़ा तबका अछूत था जो गांव और शहरों की सीमाओं में रहता था और यदि कोई उन्हें देख लिया होता था आंख से आंख मिला लेता था तो उसे अपवित्र माना जाता था एज अछूत तो हियर फिशर इज आस्किंग वंडरिंग फिशर इज वंडरिंग फिशर को आश्चर्य हो रहा है कि हाउ डिड दे नो दैट दीज टू पीपल वे आर कि ये लोग अछूत हैं अनटच टच एबल जिन्हें छुआ जा सके टचेबल जिन्हें ना छुआ जाए ऐसे लोग थे अर्थात अछूत नाउ स्टोरी मूव्स फर्दर गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर देखिए रूट कैलकटा से पटना आते हुए फिर उसके बाद चंपारण जाना है रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ता है सो गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण एन रूट मतलब रास्ते में मार्ग में होना वो चंपारण के मार्ग में था एन रूट टू अपटेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग टू इम्पार्ट मैंने देना सौंपना शुक्ला ने जो बातें बताई थी उससे भी ज्यादा जानकारियां लेने के लिए जो शुक्ला के लिए संभव नहीं थी उन्होंने मुजफ्फरपुर जाकर लोगों से बात करके समझना जरूरी समझा अर्थात गांधी वांटेड दैट बिफोर आई गो टू चंपारण आई मस्ट हैव फुल एंड कंप्लीट अबाउट कंडीशंस ऑफ़ फार्मर्स चंपारण जाने के पहले मुझे फार्मर्स की स्थिति को लेकर पूरी सच्ची सही जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए और इसीलिए वो चंपारण जाने के पहले मुजफ्फरपुर में उतरते हैं विच वॉज एन रूट टू चंपारण टू ऑप्टेन ऑप्टेन मतलब प्राप्त करना आई ऑप्टेन 50 मार्क्स आउट ऑफ In your mark sheet, you must have read maximum marks, and then another column is marks obtained. Just say marks secured will ikten marks scored So to obtain I have obtained first position. So here Gandhi wanted to obtain more complete information about condition. of farmers than what Shukla was capable of imparting, capable मतलब समर्थ impart करना मतलब देना Shukla जितना समर्थ था जानकारी देने में उससे भी ज्यादा जानकारियाँ गांधी को चाहिए थीं। अर्थात् Shukla ज्यादा जानकारी देने में असमर्थ था उसकी तो बस शिकायत थी कि बहुत हमारे साथ न्याय हो रहा है बहुत ज्यादती हो रही है बहुत तकलीफ है हम लोग बड़े घोर संकट में हैं, पर पूरा पिक्चर नहीं मिल पा रहा था तो गांधी मुजफ्फरपुर उतरते हैं ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी तद अनुसार अकॉर्डिंगली मतलब तद अनुसार तद अनुसार गांधी जे बी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजते हैं जे बी कृपलानी वॉज ए पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट अनदर फेमस मैन लेटर एन ही टू बिकम वेरी बिग पर्सनैलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर द फ्रीडम तो जेबी कृपलानी को उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा जो उस समय आर्ट कॉलेज मुजफ्फरपुर में थे और जिनसे मुलाकात गांधी की शांति निकेतन में हुई थी अब देखिए कैसे होता है शांति निकेतन कहाँ है कलकत्ता के पास क्यों प्रसिद्ध है रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया था इट वॉज एन एजुकेशनल सेंटर वर्ल्ड फेमस एजुकेशनल सेंटर फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें नोबल प्राइज मिल चुका था वो बहुत प्रसिद्ध जगह बन गई थी वहां किसी काम से गांधी जाते हैं गांधी और नेहरू गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व प्रसिद्ध फोटो आप देख सकते हैं जहां और वहीं पर किसी समय में आचार्य जे बी कृपलानी से इनकी मुलाकात होती है जो आर्ट्स कॉलेज में वहां पढ़ाते थे मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज में थे तो हुतन स्कूल ठीक द ट्रेन अराइव एट मिड नाइट रात 12 बजे के आसपास ट्रेन पहुंचती है मुजफ्फरपुर रात के 12 बजे के आसपास कब पंद्रह अप्रैल 1917। सौ सत्रह पंद्रह अप्रैल क्यों प्रसिद्ध है जब अप्रैल की बात करते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन के काल में पंद्रह अप्रैल के आसपास का कोई घटनाक्रम आपके दिमाग में है याद करिए तेरह अप्रैल क्या हुआ था तेरह अप्रैल को जलिया वाला बाग का कांड 1919 में तारीख है तेरह अप्रैल 13 so, अप्रैल को उन्नीस में जलिया वाला हुआ था मैं बात कर रहा हूं उसके दो साल पहले की जब गांधी इसके साथ राजकुमार शुक्ला के साथ मुजफ्फरपुर रात 12 बजे पहुंचते हैं तो कृपलानी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज कृपलानी हिमसल प्रोफेसर teaching many students in that arts college so he had come along with his students in large number to welcome gandhi he was waiting at the station gandhi stayed there for two days in the home of professor malkani professor malkani unke makan gandhi ruke to stay rukna gandhi stayed for two days those in प्रोफेसर मलकानी के मकान में रुके जो स्वयं एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग इन दो गांधी कह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में है गांधी की भाषा को शब्द ब शब्द फिशर ने यहां उतार लिया है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में दिया है गांधी सेड इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग इन दो जमाने में ये एक बहुत बड़ी बात थी क्या फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी एक सरकारी प्रोफेसर मेरे जैसे आदमी के लिए समर्पित हो कुछ सेवा करे उसके पक्ष में आए टू हार्बर आई हार्बर ए ए पैशन तीव्र इच्छा होना एक इच्छा होना सरप्राइजिंग गांधी सेज टू फिशर दैट इन दो गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब मीन्स वॉट someone who is working under British government. Those days British were in India, they were the rulers. Were someone working under the British government comes to meet him, not only meet, brings large number of students with him, and that is something very big thing. Or मेरे जैसे आदमी के लिए जो राजनीति कर रहा है, अंग्रेजों की खिलाफत कर रहा है, यहाँ पर अपने उस इमेज के साथ आया है कि मैंने अंग्रेजों को चैलेंज किया था साउथ अफ्रीका में उससे मिलने उसको लेने के लिए कोई आए उस जमाने में बड़े आश्चर्य की बात है इट वॉज नॉलेट थिंग इन स्मॉलर लोकलिटीज द इंडियंस वेर अफ्रेड टू शो सिंपेथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल नाउ लुई फिशर कहते हैं कि छोटी छोटी जो कॉलोनियां थी वहां पर भारतीय लोग तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को अनदेखा कर देते थे ऐसे वक्त से डरते थे जो होम रूल की बात करे होम रूल मतलब क्या होता है एक आंदोलन जो उस समय चला था होम रूल मूवमेंट उस आंदोलन के नाम से आप समझ सकते हो होम रूल मतलब किसका रूल होगा देश के वासियों का जिनका ये घर है इसका मतलब क्या हुआ अंग्रेजों को चैलेंज किया गया था द इंडियन द इंडियन नेशनल कांग्रेस है मूवमेंट कॉल्ड होम रूल मूवमेंट तो एनी वन हुआ सपोर्टिंग होम रूल मूवमेंट उसको लोग बड़े डर से देखते थे क्योंकि उनको डर लगता था कि ये होम रूल मूवमेंट के सपोर्टर को यदि मैं उसके साथ दिखाई दूं तो सरकार मुझे पकड़ लेगी सजा देगी जेल में डाल देगी कि तुम एड होम रूल मूवमेंट वालों के साथ क्यों घूम रहे हो जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं एडवोकेट मींस क्या वकालत यहां लेकिन वकालत नहीं है वकील नहीं है यहां इसका अर्थ टू एडवोकेट मतलब किसी की वकालत करना अर्थात किसी के पक्ष में बोलना टू एडवोकेट मतलब किसी के पक्ष में बोलना सो लुई फिशर से दैट इन दोज डेज इवन इन स्मॉल एरियाज पीपल यूज टू कीप अवे फ्रॉम दोज पीपल हु वेर सपोर्टिंग होम रूल इनको डर था सबको और यहां एक गवर्नमेंट सर्वेंट आके इनका स्वागत कर रहा है वो भी स्टूडेंट की भीड़ लेके दिस वॉज द कंडीशन ऑफ इंडिया दोज डेज दैट इज वॉट लुई फिशर इज ट्राइंग टू टेल वेन दे बोथ रीच्ड राजेंद्र प्रसाद हाउस दे फाउंड दैट राजेंद्र प्रसाद इज नॉट देयर इन सिटी एट ऑल राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर यंग मैन पुअर योमैन प्रेजेंटेडर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर यह सर्वेंट कौन है राजेन्द्र प्रसाद के जो नौकर थे उनको लगा ये शुक्ला जो है कोई गरीब आदमी योमैन मतलब सामान्य आदमीड दे आर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स जो अपने साथ जो मास्टर आया हुआ है कौन है मास्टर यहां गांधी जी हैं उनके पीछे पड़ा टू पेस्टर मींस पीछे पड़ जाना लगातार अनुरोध करना कंटिन्यूसली अनुरोध करते रहना को कहेंगे टू पेस्टर व्हाई डोंट यू पेस्टर द टीटी फॉर द टिकट बार बार टीटी के पीछे पड़ जाओ टिकट के लिए टू पेस्टर मतलब पीछे पड़ जाना लगातार विनती करते रहना लगातार सो so, हियर The servant thought that this poor man uh, is the one who has come with Gandhi, and he is pestering Gandhi to help indigo share croppers. वहाँ के जो किसान हैं उनकी कुछ मदद की मांगने के लिए आया है, so they let him stay on the ground with his companion Gandhi. Let him stay, let him go मतलब जाने दो. देखिए let का उपयोग L E T let. हिम स्टे उसे रहने दो लेट हिम स्टैंड उसे खड़े होने दो लेट का उपयोग समझने की कोशिश करिए सो दी सर्वेंट लेट हिम बी विद गांधी गांधी के साथ उसे रहने दिए विद कंपेनियन मतलब सहयोगी इन्होंने समझाया गांधी का सहयोगी है कोई गांधी के साथ आया है तो उसको उसके साथ रहने दिया होम दे टूक टू बी अनदर प्रेजेंट और उन्होंने सोचा गांधी भी कोई दूसरा किसान है एक किसान गांधी और दूसरा किसान ये राजकुमार शुक्ला इस प्रकार राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट उन शुरुआती दिनों में गांधी को तो स्वाभाविक है नहीं जानते थे उन्होंने किसान समझा और समझा कि ये लोग इंडिगो फार्मर्स जो हैं उनकी समस्याओं को लेकर आए हैं म दे टुक टू बी अनदर प्रेजेंट टू टेक टू बी मतलब क्या होता टू टेक टू बी मतलब समझ लेना आई टुक यू टू बी राम ओह यू आर श्याम आई टुक यू टू बी राम मैं तुम्हें राम समझा आई टुक हिम टू बी माई प्रिंसिपल बट ही इज एक्चुअली ए टीचर मैं उसे प्रिंसिपल समझा लेकिन वो असली में शिक्षक हैं तो so, टू टेक टू बी का उपयोग देखिए यहाँ पे आई टुक हिम टू बी ए फिल्म एक्टर बट ही टर्न आउट टू बी एन ऑर्डनरी मैन बंबई गया तो मुझे लगा वो फिल्म का एक्टर है लेकिन सामान्य आदमी था लुकिंग लाइक हैंडसम फिल्म पर्सनैलिटी सो टू टेक टू बी सो दे टुक हिम टू बी Peasant, एक और फार्मर समझा बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वॉटर फ्रॉम द वेल गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वॉटर ड्रॉ मतलब खींचना पानी को भी खींचने के लिए ड्रॉ होता टू पुल नहीं टू ड्रा टू पुल वॉटर नो टू ड्रॉ वॉटर खींच के निकालना कुएं से गांधी को भी पानी निकालने की अनुमति नहीं थी आगे देखिए क्या बोलता है लेस्ट स्ट सम ड्रॉप फ्राम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स सम ड्रॉप फ्रॉम द बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स सोर्स मतलब कुआं कुएं के नीचे जो पानी है कुएं में उस पानी को गांधी को पानी निकालने नहीं दिए क्यों उनको ये डर था कि कहीं गांधी पानी निकालेंगे तो जो बाल्टी पानी ऊपर आएगा उसमें से यदि कुछ बूंद भी उस कुएं के अंदर गिर गई पानी की तो आप पवित्र हो जाएगा कुआं आप पवित्र हो जाएगा इमेजिन वॉट वोस डेज टचिंग वॉटर वॉज कंसिडर्ड टू बी ए बिग क्राइम बाय लोअर कास्ट और इसीलिए उस समय अछूत प्रथा भी बहुत थी सो लुई फिशर थ्रू दिस राइटिंग कंडीशन ऑफ इंडिया इन इस लेक के माध्यम से लुई फिशर उस समय के भारत के समाज की स्थिति भी बताना चाह रहे हैं दैट हाउ मच वी बिलीव इन कास्ट सिस्टम एंड ए मैन लाइक गांधी ऑफकोर्स ही टू दो रिफ्यूज हिम टू ड्रॉ वॉटर लेस्ट मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड सो दैट नॉट Lest matlab so that with dot 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 not so that water drops do not pollute the entire source. This is the correct complete sentence. If you don't want to use the word lest, then so that not. So here, permitted not permitted to draw water lest it will pollute the entire source. Pollute karna matlab. पॉल्यूट करना मतलब अपवित्र कर देना वैसे तो पॉल्यूशन मतलब होता है पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण गंदगी कर देना खराब कर देना सो दे फियर दिस प्य दिस सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र बाबू दैट इफ गांधी ड्रॉज वाटर एंड फ्यू वाटर ड्रॉप्स फॉल डाउन इन टू सोर्स द होल वाटर विल बिकम पोल्यूटेड प्रदूषण हो जाएगा किससे कुछ पानी की बूंदें गिरने से वो पानी जिसको गांधी छुए होंगे खींचते समय कहीं वो गिर गया तो प्रदूषण हो जाएगा अर्थात अपवित्र अप हो जाएगा पानी खराब हो जाएगा यह उस समय की समाज की स्थिति को आप समझने की कोशिश करिए एक ओर समाज का यह हाल था दूसरी ओर स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था तीसरी ओर अंग्रेजों का दबदबा था एंड व्हाट नॉट

लेकिन उनकी भावभंगिमा उनके कपड़े लते उसको देखकर शायद सर्वेंट को लगा ये अछूत लोग हैं और अछूत लोग मतलब ऐसे लोग जो गांव के अंदर या शहर के अंदर जिनको आने की अनुमति नहीं थी समाज का एक बहुत बड़ा तबका अछूत था जो गांव और शहरों की सीमाओं में रहता था और यदि कोई उन्हें देख लिया होता था आंख से आंख मिला लेता था तो उसे अपवित्र माना जाता था वॉज कंसिडर्ड एज अछूत तो हियर फिशर इज आस्किंग वंडरिंग फिशर इज वंडरिंग। फिशर को आश्चर्य हो रहा है कि हाउ डिड दे नो दैट दीज टू पीपल वे आर अनटचेबल ये लोग अछूत है अनटच टच एबल जिन्हें छुआ जा सके अनटचेबल जिन्हें ना छुआ जाए ऐसे लोग थे अर्थात अछूत नाउ स्टोरी मूव फर्दर गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर देखिए रूट कैलकटा से पटना आते हुए फिर उसके बाद चंपारण जाना है रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ता है तो गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण एन रूट मतलब रास्ते में मार्ग में होना वो चंपारण के मार्ग में था एन रूट टू अपटेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग टू इम्पार्ट मैंने देना सौंपना शुक्ला ने जो बातें बताई थी उससे भी ज्यादा जानकारियां लेने के लिए जो शुक्ला के लिए संभव नहीं थी उन्होंने मुजफ्फरपुर जाकर लोगों से बात करके समझना जरूरी समझा अर्थात गांधी वॉन्टेड बिफोर आई गो टू चंपारण आई मस्ट हैव फुल एंड कंप्लीट अबाउट ऑफ़ फार्मर्स। चंपारण जाने के पहले मुझे फार्मर्स की स्थिति को लेकर पूरी सच्ची सही जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए और इसीलिए वो चंपारण जाने के पहले मुजफ्फरपुर में उतरते हैं विच वॉज एन रूट टू चंपारण टू ऑप्टेन ऑप्टेन मतलब प्राप्त करना आई ऑप्टेन्ड 50 मार्क्स आउट ऑफ In your mark sheet, you must have read maximum marks, and then another column is marks obtained. They say marks secured, marks scored, so to obtain, I have obtained first position. So here, Gandhi wanted to obtain more complete information about condition. ऑफ फार्मर्स देन वॉट शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग केपेबल मतलब समर्थ इम्पार्ट करना मतलब देना शुक्ला जितना समर्थ था जानकारी देने में उससे भी ज्यादा जानकारियां गांधी को चाहिए थी अर्थात शुक्ला ज्यादा जानकारी देने में असमर्थ था उसकी तो बस शिकायत थी कि बहुत हमारे साथ अन्याय हो रहा है बहुत ज्यादती हो रही है बहुत तकलीफ है हम लोग बड़े घोर संकट में हैं पर पूरा पिक्चर नहीं मिल पा रहा था तो गांधी मुजफ्फरपुर उतरते हैं ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी तद अनुसार अकॉर्डिंगली मतलब तद अनुसार तद अनुसार गांधी जे बी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजते हैं जे बी कृपलानी वॉज ए पार्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट अनदर फेमस मैन लीटर एंड ही वेरी बिग पर्सनैलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर द फ्रीडम तो जे बी कृपलानी को उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा जो उस समय आर्ट कॉलेज मुजफ्फरपुर में थे और जिनसे मुलाकात गांधी की शांति निकेतन में हुई थी अब देखिए कैसे होता है शांति निकेतन कहा है कलकत्ता के पास क्यों प्रसिद्ध है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया था इट वॉज एन एजुकेशनल सेंटर वर्ल्ड फेमस एजुकेशनल सेंटर फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर उन्हें नोबल प्राइज मिल चुका था वो बहुत प्रसिद्ध जगह बन गई थी वहां किसी काम से गांधी जाते हैं गांधी और नेहरू गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्व प्रसिद्ध फोटो आप देख सकते हैं जहां। और वहीं पर किसी समय में आचार्य जे बी कृपलानी से इनकी मुलाकात होती है जो आर्ट्स कॉलेज में वहां पढ़ाते थे मुजफ्फरपुर में आर्ट्स कॉलेज में थे तो हुम ही है शांति निकेतन स्कूल ठीक द ट्रेन अराइव एट मिड नाइट रात 12 बजे के आसपास ट्रेन पहुंचती है मुजफ्फरपुर रात के 12 बजे के आसपास कब 15 अप्रैल 1917 15 अप्रैल क्यों प्रसिद्ध है जब अप्रैल की बात करते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन के काल में 15 अप्रैल के आसपास का कोई घटनाक्रम आपके दिमाग में है याद करिए 13 अप्रैल क्या हुआ था 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का कांड उन्नीस में तारीख है 13 अप्रैल सो 13 अप्रैल को उन्नीस में जलिया वाला हुआ था मैं बात कर रहा हूं उसके दो साल पहले की जब गांधी इसके साथ राजकुमार शुक्ला के साथ मुजफ्फरपुर रात 12 बजे पहुंचते हैं तो कृपलानी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं Kriplani was waiting at the station with a large body of students because Kriplani himself was a professor, teaching many students in that arts college. So he had come along with his students in large number to welcome Gandhi. He was waiting at the station. Gandhi stayed there for two days in the home of Professor Malkani. एक बहुत प्रसिद्ध आदमी थे एक और प्रोफेसर मलकानी उनके मकान में गांधी रुके टू स्टे मन रुकना गांधी स्टे फॉर टू डेज दो दिन वो प्रोफेसर मलकानी के मकान में रुके जो स्वयं एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग इन दो डेज ये गांधी कह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में है गांधी की भाषा को शब्द ब शब्द फिशर ने यहाँ उतार लिया है इसलिए इनवर्टेड कॉम दिया है गांधी सेड इट एन थिंग इन उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी बात थी क्या फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी एक सरकारी प्रोफेसर मेरे जैसे आदमी के लिए समर्पित हो कुछ सेवा करे उसके पक्ष में आए टू हार्बर आई हार्बर ए पैशन इच्छा होना एक इच्छा होना सो इट इज सरप्राइजिंग गांधी सेज टू फिशर दैट इन दोज डेज ए गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब मीन्स वॉट सम वन इज वर्किंग अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट दो ब्रिटिश वेयर इन इंडिया दे वेयर द रूलर्स रूलर सम अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट कम्स टू मीट हिम नॉट ओनली मीट ब्रिंग्स लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ हिम एंड दैट इज समथिंग वेरी बिग थिंग और मेरे जैसे आदमी के लिए जो राजनीति कर रहा है अंग्रेजों की खिलाफत कर रहा है यहाँ पर अपने उस इमेज के साथ आया है कि मैंने अंग्रेजों को चैलेंज किया था साउथ अफ्रीका में उससे मिलने उसको लेने के लिए कोई आए उस जमाने में बड़े आश्चर्य की बात है इट वॉज अ नेक्स्ट थिंग इन स्मॉलर लोकलिटीज द इंडियंस वेर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल नाउ लुई फिशर कहते हैं कि छोटी छोटी जो कॉलोनियां थी वहां पर भारतीय लोग तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को अनदेखा कर देते थे ऐसे वक्त से डरते थे जो होम रूल की बात करे होम रूल मतलब क्या होता है एक आंदोलन जो उस समय चला था होम रूल मूवमेंट उस आंदोलन के नाम से आप समझ सकते हो होम रूल मतलब किसका रूल होगा देश के वासियों का जिनका ये घर है इसका मतलब क्या हुआ अंग्रेजों को चैलेंज किया गया था द इंडियन द इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट कॉल्ड होम रूल मूवमेंट सो एनी वन होम रूल मूवमेंट उसको लोग बड़े डर से देखते थे क्योंकि उनको डर लगता था कि ये होम रूल मूवमेंट के सपोर्टर को यदि मैं उसके साथ दिखाई दूं तो सरकार मुझे पकड़ लेगी सजा देगी जेल में डाल देगी कि तुम एड होम रूल मूवमेंट वालों के साथ क्यों घूम रहे हो जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं एडवोकेट मींस क्या वकालत यहाँ लेकिन वकालत नहीं है वकील नहीं है यहाँ इसका अर्थ टू एडवोकेट मतलब किसी की वकालत करना अर्थात किसी के पक्ष में बोलना टू एडवोकेट मतलब किसी के पक्ष में बोलना सो लुई फिशर से दैट इन डेज इवन इन स्मॉल एरिया पीपल यूज टू कीप अवे फ्रॉम दोज पीपल हु हुई सपोर्टिंग होम रूल क्योंकि इनको डर था सबको और यहाँ एक गवर्नमेंट गा, सर्वेंट आके इनका स्वागत कर रहा है वो भी स्टूडेंट की भीड़ लेके दिस वॉज द कंडीशन of India those days. That is what Louis Fisher is trying to tell.